Okay, so now we'll continue. This is your chapter number 7 and 9. Pricing decision as well as divisional transfer price, right? जस्ट प्राइसिंग डिसीजन में अगर अपने को प्राइस करना है किसी चीज को तो कैसे कैसे प्राइस कर सकते राइट एक और होता है स्कीमिंग प्राइसिंग राइट एक होता है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन में क्या रहता है लाइक जियो स्टार्टिंग में वेरी लो बाद में फिर लोगों को लूटेंगे राइट पैसा बनाएंगे और स्कीमिंग में क्या रहता है आईफोन स्टार्टिंग में वेरी हाई पहले रिकवर हो जाएगा उसके बाद डाउन 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 कोई बोलता है भाई प्राइसिंग इट्स डिपेंड्स आपके प्राइसिंग मीन्स कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कोई बोलता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेता है कोई बोलता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेता है कभी कभी अपन कोई टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट से तो वहां क्या प्राइसिंग रहता है सील्ड बिड एनवेलप में बंद करके आप दे दो वो प्राइसिंग रहता है कभी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या रहता है बार्गेन करते हैं हम लोग अरे भैया इतना नहीं इतना लगा लो इतना नहीं इतना लगा कभी ओनली वेरिएबल कॉस्ट रहता है कभी ऐसा भी रहता है बिलो द वेरिएबल कॉस्ट भी रहता है प्राइसिंग कौन सा सिचुएशन में होगा बिलो द वेरिएबल कॉस्ट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे भी कम है प्राइस जैसे सपोज अभी मेरी क्लास है मेरी क्लास में अभी कोई नया बच्चा एडमिशन लेगा तो मेरे को रिलेवेंट कॉस्ट क्या है ओनली ये बुक का कॉस्ट बाकी फिक्स कॉस्ट तो मेरा लगने वाला है आप लोग बैठो और एक आके नया बैठे सब सेम है तो मेरे लिए क्या हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा जो मिलेगा वो मुझे एडमिशन देना चाहिए राइट कौन सा ऐसा सिचुएशन यहां पे अपन को वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पे बेचना चाहिए ओके तो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पे बेचना चाहिए नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम और इनका भी आंसर राइट है कभी ऐसा है सपोज आपका रसगुल्ला बनाने का है काम है आपका आपने रसगुल्ले बनाए राइट या ब्रेड बनाने का काम है आपका आप ब्रेड बन गया ब्रेड का वट एवर वेरिएबल कॉस्ट इज देयर लेकिन ब्रेड तो कल खराब हो जाएगा तो आज अपने को जो प्राइस मिले जैसे मिले वैसे अपने को सेल कर देना चाहिए राइट तो क्या होता है अपना बिलो द अगर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं मतलब बिलो द वेरिएबल कॉस्ट भी सेल कर सकते सो इट्स डिपेंड्स ऑन प्राइसिंग डिसीजन राइट कभी कभी ये रहता है कि रेंज रहता है ये प्राइस से इतना कम करोगे तो ये आपका डिमांड बढ़ेगा तो अपने को देखना रहता है तो उसी का एक एग्जाम्पल है जस्ट आप देखो केस स्टडी 1 पेज नंबर 7.1 CS1 पेज नंबर 7.1 देखो मैंने नीचे सॉल्व भी किया है आपको ना जस्ट रीड द क्वेश्चन ना हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या है 25 बेस सेलिंग प्राइस क्या है 25 वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या है कॉन्स्टेंट बराबर
लेकिन 25 अगर आप रखते हो तो आप कितनी यूनिट सेल कर सकते हो, 10,000। अगर आप 25 से 50 पैसा कम करोगे राइट, तो आपका सेल्स कितने से बढ़ जाएगा, 500 से, है ना। तो अपन ने 25 रख के देखा तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 80,000। 24.5 किया तो आ रहा है 78,750। 24 किया तो आ रहा है 77। इसका मतलब वो तो डाउन जाता जा रहा है राइट। अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, आपका यूनिट्स कम सेल होगा, बराबर है। तो अगर आपने 25.5 किया तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 80,000 बोलो 750। अगर आप 26 करते तो कितना आएगा, 81,000। 26.5 करेंगे तो वापस आपका बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। फिर 27 किया तो और कम हो रहा है। तो बेस्ट सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा, जहां पे आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ₹81,000। तो आपको क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, 26। समझे या नहीं समझे राइट। इसमें अपन को आज यही है प्राइसिंग डिसीजन ही अपन को लेने राइट। तो ये भी एक डिसीजन है आपका, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, और अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा राइट। अभी इसी में एक रिवर्स मेथड में आप जरा देख लो ना, ये बहुत अच्छा समय, CS5 पेज नंबर 7.4, आप आराम से रीड करो, समझो, और अगर आप बोलोगे ना तो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर को ना, कि जो आंसर अपन बोल रहे हैं वो आंसर सही है या नहीं है राइट। देखो जरा CS5 पेज नंबर 7.4, वर्कआउट द इनिशियल सेलिंग प्राइस, प्लीज अंडरलाइन दैट, वर्कआउट द इनिशियल सेलिंग प्राइस। पहले गिवन करके लिख लें आप क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है ना, तो काफी इजी हो जाएगा, बाद में आपको एक एक इंफॉर्मेशन को रीड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले आप गिवन करके लिख लो राइट। क्या बोल रहा है, एक्सएसएल दिस मैन्युफैक्चर, दे हैव रिसेंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू डिजाइन ए न्यू रेडियो ट्रांजिस्टर कैपेबल ऑफ बीइंग एन इमरजेंसी लैम्प। कितना क्वाइट कॉन्फिडेंट है, 8,000 तक कर सकते राइट। इट मीन्स दिस इज गिवन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स इक्वल टू 8,000 यूनिट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा ईयर जीरो में 25 लाख। Life is 4 years.
स्क्रैप वैल्यू बोलो जीरो, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईयर 1, 2, 3, 4 राइट है. फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट 8,000 × 250 20 lakhs. Advertisement cost 1,75,60 and 30. Other expenses 50, 75, 90, 120. एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, 22,25,000, ROI उनको चाहिए 15%, इनकम टैक्स रेट 40%, डेप्रिसिएशन मेथड SLM, इट मींस 25 lakhs माइनस 0/4, 6,20,000, 25,000 पर एनम. वन टू फोर ईयर का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको है 15% का 3.0079 और आपको बताना है सेलिंग प्राइस. और अगर इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वेरीफाई द सेम. आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर बराबर है या नहीं.
सही है सुनो, राइट, ये आपके सामने क्या दे रखा है, ऑल गिवन इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स आपका क्या होगा, 8,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 लाख, देन लाइफ 4 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन 625, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। आपको बताना है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, ये डिसीजन अपने चल रहे हैं, राइट। अपना इनिशियली क्या जाएगा, 25 लाख, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 25 लाख। उसके बाद आपका क्या जाएगा, एवरी ईयर आपको ये खर्चा करना है, 1, 2, 3, 4, तो एक आपका ये होगा, एक आपका ये हो गया। अब ये खर्चा करने से आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, यू कैन क्लेम द टैक्स बेनिफिट ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। दूसरा आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, आपका नेट फ्लो आ जाएगा, राइट, एंड दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम कस्टमर, एंड करने के बाद हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे, राइट, कि आंसर सही है या तो, और ज्यादा आपका कंसेप्ट एग्जाम में नहीं करना है आपको, और आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। इतना आपने गिवन करके लिख लिया फ्रेंड्स, देखो जरा, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इसमें ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं अपन ना, इट मीन्स ईयर 0 कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 25 लाख। राइट है, फिर 1 to 4 years योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 22 लाख, 25,000 इंटू, हर साल जाएगा तो क्यूमुलेटिव एक जैसा आउटफ्लो है, तो वी कैन टेक द क्यूमुलेटिव ना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 3.0079, इट मीन्स 22 लाख, 25,000 इंटू 3.0079, 66, 92, 578। नाउ इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, टैक्स सेविंग्स, 1 to 4 ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 22 लाख, 25,000 इंटू 40% इंटू 3.0079, ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन जीरो थर्टी वन ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, फिर 1 to 4 ऑन डेप्रिसिएशन
कितना हो जाएगा, 625 इंटू 40% इंटू 751975, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 25 57 63 572, इज इट, जस्ट चेक. ये आपका क्या रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. राइट है, कैलकुलेशन चेक करो, बराबर है. दिस अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर, है ना. सो क्या करते हैं अपन, 1 to 4 years फ्यूचर वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%. तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, योर प्रेजेंट वैल्यू इज 57 63 572, डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.0079. इसका मतलब एवरी ईयर आपको रहेगा 19,16,145. हर साल आपका आउटफ्लो ये रहेगा, बोलो, तभी तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा. Say yes or no, right? Now this we are going to receive in future. This we are going to receive in future, right? कितना हर साल अपने को मिलेगा, 19,16,145. But this is after tax. Customer से क्या लेना पड़ेगा, before tax. It means 19,16,145 into 100 by 60. 40 टैक्स भर के 60 बचा ना ये फ्रेंड्स, बोलो, इट मींस 19,16,145 इंटू 100 बाय 31,93,575 एंड दिस इज फॉर 8,000 यूनिट्स. पर यूनिट आपका आएगा 399.19 और 399.20. से यस ऑर नो, अगर अपना 399.20 है तो अपने को एग्जैक्टली 15% रिटर्न आ जाएगा, राइट, कैन बी वेरीफाई दिस, राइट. तो अपने को पता चलेगा कि अपना पूरा आंसर करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, राइट. तो देखो, आपको एग्जाम में नहीं करना, जस्ट अपने को यहीं पे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा आंसर बराबर है या नहीं, राइट. इट मीन्स
यहां पे ले आप लिख दीजिए वेरिफिकेशन, स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू राइट, ईयर जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 लाख, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख। राइट है नाउ ईयर 1 to 4 सेल्स लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू इनफ्लो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, बाकी का आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, ईयर 1 0 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है 25 लाख बराबर, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, यू आर एबल टू सेल 8,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 399.19। इट मीन्स आपको कलेक्शन हो जाएगा 31,93,575। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा 22,25,000, आपका डेप्रिसिएशन माइनस होगा 6,25,000, 31,93,575 less 22,25 less 6,25 343,575, what is the tax rate 40% na, into 40% 136,145 add depreciation 625,831,145। यहां तक समझा के नहीं फ्रेंड्स, या हेल्प यू, बोलो फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर 3.0079, आपका क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 831,145 into 3.0079, this comes to 25 lakhs। आपका इनफ्लो 25, आपका आउटफ्लो 25, एनपीवी 0।
इसका मतलब माई आंसर इज करेक्ट, मेरे को 15% रिटर्न है वो पूरा मिल रहा है करके ना। प्राइसिंग में कैसे अपने को डिसीजन लेना है वो आप देख लीजिए राइट। बोलो फ्रेंड्स प्रॉपर है। अब आप एक खुद से ट्राई करो जरा ना, अच्छा है, आरटीपी का क्वेश्चन है, CS2 पेज नंबर 7.2। आप मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अभी तक ना, अपन ने ये डिसीजंस लिए अभी क्या होना चाहिए इस केस में ना। CS2 पेज नंबर 7.2 खुद से रीड करिए आप ना फ्रेंड्स। खुद से ट्राई करो आप ना, मेरा मत देखो सॉल्यूशन राइट। ऐसे अगर आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपका काफी टेंशन कम हो जाएगा। लिमिटेड उसके दो डिवीजन है, डिवीजन ए डिवीजन बी। कौन सा प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं? प्रोडक्ट जेड। जेड का सेल आउटसाइडर को कर सकते हैं और डिवीजन बी को। व्हाट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस? 1 लाख यूनिट्स। सही या सुनो फिर, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख, 70,000 हम लोग आउटसाइडर को सेल कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा रहेगा पर यूनिट
2500, और वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 1600। बराबर है। तो अपना चार्ट क्या रहता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आपका रहेगा 2500, आपका वेरिएबल प्राइस रहेगा 1600, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 900। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 4 करोड़। वर्किंग कैपिटल पे आपको क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ट्वेल्व करोड़ के ऊपर आपको आएगा 11.5%। वन करोड़ 38 लैक्स, 5 करोड़ 38 लैक्स, फ्रेंड 5 करोड़। एंड टारगेट प्रॉफिट उनको चाहिए 2 करोड़ 50 लैक्स। इसका मतलब हमको टोटल कंट्रीब्यूशन आना चाहिए 538 प्लस 250, 7 करोड़ 88 लैक्स। पहले ये बताइए, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, राइट। या रॉन्ग है कुछ, तो सेलिंग प्राइस तो इज गिवन ना, हाउ कैन यू टेक द एक्स। ठीक है, ये आपका गिवन सिचुएशन है। कौन कौन से डिवीजन है बोलो, एवरीवन, ए एंड बी। तो ए क्या बनाता है, प्रोडक्ट जेड कितना बनाता है 1 लाख। 1 लाख में से कितना सेल कर देगा वो 70,000, राइट, किसको, आउटसाइडर को, बाकी का 30,000 इसके लिए। तो पहला क्या पूछ रहा है अपने को, कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड दैट डिवीजन ए शुड कोट इन ऑर्डर टू मीट द
टारगेट प्रॉफिट, उसको डिवीजन बी को कितने यूनिट चाहिए, 40,000 बराबर। तो इसका आउटसाइडर कितना सेल हो रहा है बराबर, कैसे निकालेंगे प्राइस, कितना चाहिए उसको, या तो पहले ओनली 60,000 ये किसको सेल करे मार्केट में ना, 60 पर जितना रिकवर हो जाएगा बाकी का जो बचेगा वो इससे लेगा करके ना, तो क्या करेंगे, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग ट्रांसफर प्राइस, अभी देखो व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, 788, उसमें से आउटसाइडर से कितना मिल जाएगा, आउटसाइडर कॉन्ट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस कितना है, 2500 माइनस, और वो कितनी यूनिट्स लेगा, 60,000, कितना आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 5,40,00,000 एंड बैलेंस बैलेंस 2,00,00,000 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स है, तो पर यूनिट 6, तो इसका ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट 1600 प्लस 620, इट मींस 2200। अगर ये 2220 देता है तो अपना टारगेट प्रॉफिट मीट हो जाएगा। Say yes or no, right? This is your answer number 1. Calculate the two prices division A would have to quote for division B if it become on the basis of opportunity cost. पहले ये बताओ ये clear हुआ कि नहीं? अगर हम इतने में बेच देंगे तो हमको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना हो जाएगा, दैट इज अ वन मेथड राइट। अब वो दूसरा मेथड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला राइट। इट मींस हम लोग को क्या करना चाहिए ये केस में, टोटल हमारा क्या है यूनिट्स, आंसर नंबर 2, टोटल यूनिट्स है 1,00,000, उसमें से आउटसाइडर कितना ले रहा है,
70,000 और बैलेंस अपने पास है 30,000। बराबर। तो हम लोग और दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, 60,000 यू सेल एट द रेट ऑफ 2,500 एंड ट्रांसफर 10,000 एट द रेट ऑफ 2,500 बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बराबर। और दिस 30,000 वी कैन ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1,600। एक मेथड तो आपका ये हो गया, दूसरा मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लो आप करके ना। प्राइसिंग डिसीजन राइट, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, कोई भी केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसका क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा राइट। सुनो फ्रेंड्स, बोलो राइट है, सब प्राइसिंग्स के अपन डिसीजन ले रहे हैं, प्राइसिंग के केस में अपन को क्या करना चाहिए राइट। देखो जरा सिचुएशन 4.7.3 CS4 पेज नंबर 7.3 CS4 पेज नंबर 7.3 चमचम लिमिटेड। अगर आपका सेलिंग प्राइस 30 रुपीज है तो आप कितने यूनिट सेल कर सकते हैं, 4 लैक्स। सही है सुनो फ्रेंड्स, अगर आपका सेलिंग प्राइस 31.5 है, समय खाली कैलकुलेशन है, कुछ दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। जजिंग फ्रॉम एस्टिमेट डिटरमाइन द टेंटेटिव प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट टू एक्ट ऑन द मैक्सिमम प्रॉफिट राइट। इट मीन्स ये आप ले लीजिए स्टेटमेंट, शोइंग एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट यूनिट्स फोर लैक्स सेलिंग प्राइस सेल्स वेरिएबल कॉस्ट रिफर नोट नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट रिफर नोट नंबर 2
एंड देन देर इज ए सेलिंग एक्सपेंस, 10% ऑन सेल्स ना फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ₹3,80,000 3,60,000 3,40,000 315 280 240 30 31.5 33, 34.5, 36, 37.5, 39, 4 lakhs into 30, 1 crore 20 lakhs, 1 crore 20 lakhs, 3,80 into 4 lakhs into 30, 1 crore 20 lakhs, 3,80 into. Note number 1, variable cost per unit, direct material, direct labor, variable overhead, 12, 3. Note number 2, fixed cost, fixed production cost and admin expense. ₹14,40,000, 10,80. ₹25,20,000.
क्या रहा प्रॉफिट? 10,80,000 13 17 कौन सा पेस्ट है? या ऑल राइट फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? था कुछ नहीं सब में, खाली कैलकुलेशन ही है मेन। इतना कोई दम नहीं है क्वेश्चन में ना, खाली कैलकुलेशन ज्यादा था। राइट, ये अच्छा सम है ना, जरा देखो आप 18.712। एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम ना रीडिंग पे, गिवन करके लिखने पे, उस पर लगाओ। अगर वो आपको पार्ट क्लियर हुआ ना तो फटाफट सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन ना। बच्चे लोग क्या आप ऊपर से नीचे तक आओगे फिर भूल जाओगे क्या था? तो गिवन करके लिख लेने का, राइट, वो हैबिट डालो। मैं आपको रीड करने के लिए बोलता हूँ, इसका मतलब यही है कि आप खुद ही समझो एग्जाम में आप कैसे स्टार्ट करोगे, बाद में आप मेरे से कॉपी करो करके ना, खुद से ट्राई करो आप करके। ग्रुप ट्यूशन का यही तो बेनिफिट है कि आप एक एक चीज मेरे सामने करो तो मुझे पता चलेगा आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, आप क्या कर रहे हो करके ना। से नाइस, ठीक है, चलो करो। 18 आराम से खुद से लिखो आप करके ना, तो आपको पता चलेगा आपने क्या समझा क्वेश्चन में ना। मेरा आप कॉपी मत करिए, ओके? CS18 पेज नंबर 7.12।
टाइकोन के कौन कौन से डिवीजन है बोलो? टेक्सटाइल एंड प्रोसेस। टेक्सटाइल में कितना? 5 लाख आउटसाइडर को सेल करता है 250, प्रोसेस को देता है 30%, बाकी का 20 इज वेरिएबल कॉस्ट, 4 रुपीज 20 पैसे पर मीटर। फिक्स कॉस्ट 4 लाख, 100 मीटर्स का एक बंडल, अगर 150 ट्रांसफर करता है तो कितने बंडल बनेंगे? 1500। वो हम कितने में सेल कर सकते हैं? 8, या फिर 2 लाख 50, वो कितने में सेल हो सकता है? और वेरिएबल कॉस्ट 80 एंड फिक्स कॉस्ट 1 लाख। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, खाली पीएनएल अकाउंट बनाना है करके, तो दिखने में इतना भारी लग रहा है करके ना, क्या होगा करके। पहला है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग, आप जरा ये कॉपी कर लीजिए पहले ना अपने हिसाब से करेक्शन करके ना। अब आपको क्या क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पे आ गया करके ना, इसके लिए फायदेमंद है करके ना। स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर जून 2004 फॉर टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस एंड कंपनी एज ए होल। बराबर, अपने पास ए बी सी तीन आंसर अपने को करने, ठीक है? इट मीन्स यहां पे आप लिख लीजिए स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट
स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आंसर ए, एटी परसेंट कैपेसिटी। आंसर ए, आंसर बी, सी। कैपेसिटी 80%, 100%, राइट। देन 80% एंड 100% फर्स्ट। टेक्सटाइल यूनिट, सेल्स 2,50,000। चाहे आप 80 पे सेल करो, 100 पे करो, आउटसाइडर को तो आपको कितना सेल करना है, 2,50,000। सही है सोनो फ्रेंड्स, 2,50,000। ट्रांसफर प्राइस 80 पे काम कर रहे हो तो 150, नहीं तो 250। 150 नहीं तो 250। वेरिएबल प्राइस 4 lakh, 5 lakhs, 4 lakhs and 5 lakhs into variable cost 4.2 and less fixed cost 4.12. A, profit and loss at 80 and 100% utilization, textile and market price is 6. Market price 5.6 and 6.
20 प्रॉफिट एंड लॉस Leg. ये किसका रहा आपका टेक्सटाइल यूनिट का राइट Do it for process house, right? Sales. ₹1,500 bundles. 2,000 variable cost ₹80 पर बंडल लेकिन याद रखना इसका ट्रांसफर प्राइसिंग इसके लिए क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट इसका ट्रांसफर प्राइस अपने लिए क्या हो जाएगा बोलो वेरिएबल कॉस्ट
कितना है? क्या ना? ए प्लस बी टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख, सही है सोनो फ्रेंड्स, राइट। ये तो आपका सिंपल पीएनएल अकाउंट बन गया। अब क्या पूछ रहा है अपने से? कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ कंपनीज ट्रांसफर प्राइस प्राइसिंग पॉलिसी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग हाउस, राइट। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किसका? प्रोसेस हाउस। आपका कैपेसिटी अगर यूज होता है, एंड व्हाट योर ट्रांसफर प्राइस? 80%, 100%, 80% एंड 100%। व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस? 6, 6, 6 एंड 5.6। देन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस? 117,500, 12,500, 117,500 एंड 112,000। सो इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80%, ट्रांसफर प्राइस इज 6, देन प्रोसेस हाउस विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। सही है सुनो फ्रेंड्स। जस्ट राइट द कमेंट ना। द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट
अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80%, इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 80% एंड ट्रांसफर प्राइस इज 6 एंड ट्रांसफर प्राइस इज 6 देन प्रोसेस हाउस विल गेट द देन प्रोसेस हाउस विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट देन प्रोसेस हाउस विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट सही आंसर ना फ्रेंड्स राइट क्लियर है तो ये अपनी बुक्स के हो गए अभी आप मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए राइट एक जरा आप ये देखिए ना पेज नंबर 7.25 बहुत बड़ा समय तो मैंने सॉल्व कर दिया आप चेक करके मुझे बताइए वेदर यू आर गेटिंग ऑन नॉट राइट ये प्राइसिंग मॉडल का है क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मॉड्यूल में आपके में दे रखा है लेटेस्ट वाला मॉड्यूल निकला है ना आईसीआई ने वो देखो जरा क्वेश्चन 3 पेज नंबर 7.25 और 7.26 पे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है तो जस्ट चेक ना ऑडिट करके आप बताइए कि बराबर है या नहीं है अगर आप सेलिंग प्राइस 44 रखोगे तो आप कितने यूनिट सेल कर सकते हैं 1,68,000 48 रखेंगे तो 1,52,000 50 में 1,40,000 तो पहले आप सेल्स ले लीजिए वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन 32 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा लेस फिक्स कॉस्ट 16 लैक्स आपको प्रॉफिट आ जाएगा एंड प्रॉफिट को आप देख लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है एंड देन यू टेक द डिसीजन सही है सुनो फ्रेंड्स कैलकुलेशन जरा चेक कर लो ना बराबर है ना अपेक्षा जस्ट चेक द कैलकुलेशन ना
या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैलकुलेशन पार्ट हाँ? एक इकोनॉमिक्स का एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल का भी इन लोगों ने एग्जांपल डाला हुआ है। एक क्वेश्चन तो उसका है अपना लर्निंग कर्व थ्योरी का, तो वो हम लोग लर्निंग कर्व थ्योरी में कवर करते हैं राइट। ये एक आप और देख लीजिए ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है पेज नंबर 7.16। उसके बाद अपन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग ले लेंगे राइट। 7.16 जरा आप देख लीजिए ना फ्रेंड्स, पेज नंबर 7.16। मैंने उसको सॉल्व भी किया है और वेरीफाई भी करके दिखाया, तो वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है राइट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल मिला फ्रेंड्स। प्राइसिंग मॉडल इज ए मैथमेटिकल मॉडल विच यूजेस द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। एज पर द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। दिस मॉडल डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अप टू विच द प्रोडक्शन कैन बी कंटिन्यूड। द बेसिक प्राइस इक्वेशन विच यूज टू डिटरमाइन द प्राइस वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, द इक्वेशन इज पी इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। नाउ पी इक्वल टू प्राइस, बी मीन्स स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेटेड, बी इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, क्यू मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, ए मीन्स प्राइस एट विच द डिमांड इज जीरो, स्टार्टिंग का जो प्राइस रहेगा। द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन इज रिटन एज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू पी एंड पी इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। नाउ इसी बेस पे मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है ना आदित्य का, तो आप जरा रेफर करिए, और बाद में उसको ना मैंने वेरीफाई भी किया है राइट। तो वेरिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो लंबा साड़ा स्टेटमेंट है ना, जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंस के लिए, पहले आप इक्वेशन को समझिए बराबर। इक्वेशन में कुछ पूछना है तो आप मेरे को बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। जस्ट इंफॉर्मेशन को आपको इक्वेशन फॉर्म में डालना है राइट। वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखा है 2,20,000 एंड सेलिंग प्राइस 5,10,000। अगर आपको कोई भी ऑर्डर नहीं है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 5,10,000 एंड इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स फॉर एवरी 5,000 इन प्राइस रिडक्शन। अगर आप 5,000 कम करते हो तो एवरी टाइम आपका क्या होगा? 2 यूनिट्स बढ़ जाएगा। अब पी इक्वल टू मैंने क्या इक्वेशन बताया आपको? ए माइनस बी क्यू। ए इज ए प्राइस 5,10,000, बी चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना है? 5,000 एंड चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 2 यूनिट्स इनटू क्यू। सो यस और नो फ्रेंड्स? अरे बोलो। देन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? ए माइनस टू बी क्यू। ए मीन्स प्राइस आपका 5,10,000 माइनस 2, बी मीन्स 5,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू। सो 5,10,000 माइनस 5,000 क्यू, मार्जिनल कॉस्ट आपका दे रखा है 2,20,000 राइट। प्रॉफिट मैक्सिमम वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल? 5,10,000 माइनस 5,000 क्यू इक्वल टू 2,20,000 माइनस 5,000 क्यू इक्वल टू 290 एंड क्यू इक्वल टू 58। क्यू को आपने पुट किया और आपका प्राइस आता है 3,65,000।
तो अगर आप 3,65,000 रुपीज रखते हो प्राइस, तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? मैक्सिमम। सही है सुनो फ्रेंड्स। तो देखो मैंने इसको वेरीफाई भी किया है पूरा, ये इतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए कि अगर अपन 5,10,000 करते हैं तो एक भी यूनिट अपना बिकेगा नहीं। अगर हम उसको 5,000 से डाउन करते हैं तो हमारी टू यूनिट्स, तो हमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा? 5,80,000। सही है सुनो फ्रेंड्स। सिमिलरली तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो देखो जरा 58 यूनिट्स पे आ रहा है, 3,65,000। ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपके ये सारे मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो रहे करके ना। जेन 19 वाला वो पूरा मॉड्यूल मैंने आपको अपने फॉर्मेट में जो सिमिलर टाइप है वो भी सॉल्व करके आपको दे दिया, ठीक है। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको कराता हूँ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस, राइट। तो अपन का एंड हो जाएगा फिर। चलो सो विल कंटिन्यू, ठीक है। जस्ट राइट ना, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। इट इज ए प्राइस बिटवीन one country division to others on the basis of mutual understanding on the basis of mutual understanding and all the methods of transfer price is exactly same for international transfer price. कभी कभी क्या रहता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको कुछ टैक्स का बेनिफिट होता है, राइट, या कुछ कहीं सस्ता मिलता है, कहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। चाइना में कुछ टैक्स के रूल अलग हैं, इंडिया में अलग हैं, यूएस में अलग हैं, तो उसका कैसे बेनिफिट लेने का वो है। जस्ट यू रेफर, ये भी काफी कम पूछते हैं लेकिन मैं करा देता हूँ, राइट। अपने को कोई रिस्क नहीं लेना। यू टेक 9.10, पेज नंबर 9.10 पे एक एग्जांपल है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना, देखिए जरा ना, 9.10 एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आराम से रीड करिए आप ना फ्रेंड्स, और समझने की कोशिश करिए क्या दे रखा है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप रीड करिए, रीड करने के बाद पहले लिखिए, राइट, गिवन करके, तो आपको एकदम ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट रीड एंड गिवन करके लिखो फिर, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है इसके लिए मैंने सॉल्व करके दे दिया है। पहले गिवन करके लिखो आप ना क्या क्या दे रखा।
शांति से एक एक सेंटेंस को आप रीड करो, समझो क्या दे रखा है। बोलो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके दो डिवीजन है, या डिवीजन ए बराबर एंड डिवीजन बी। ये क्या बनाती है? इंजन कैपेसिटी कितना है? 10,000 बराबर। एक्सटर्नल सेल्स हो सकता है 8,000 एट द रेट ऑफ 11,000। टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग कॉस्ट मिला के क्या आता है? 8,000। 7,000 मैन्युफैक्चरिंग, 1,000 सेलिंग। अगर ये डिवीजन को ट्रांसफर करता है तो उसको सेलिंग एक्सपेंस लगेगा नहीं, ओनली क्या लगेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। टैक्स रेट इंडिया में 30% है, इटली में 40% है, और उसको ट्रांसफर कितना चाहिए? 5,000। वो आउटसाइडर से परचेज करता है एट द रेट ऑफ 9,000 और ट्रांसफर प्राइसिंग अपना आ रहा है 11,000 बराबर।
गिवन दैट डिटरमाइन द कंपनी विल बेनिफिट ओवरऑल, आपको ओवरऑल बताना है राइट कि बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, पहले आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं करके ना, तो जस्ट गिवन करके लिख लो आप पहले ना। या कुछ पूछना है गिवन करके लिख लो जरा ना फ्रेंड्स। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, उसको तो 5000 चाहिए, तो 5000 ये नहीं दे सकता। पहला ऑप्शन ये है कि भाई 8000 ही बनाओ और उसको बोलो कि भाई तुम बाहर से ले लो, या दूसरा ये है 10000 बनाओ, 5000 इसको ट्रांसफर करो और 5000 आउटसाइडर को दो करके। दोनों में देख लो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला ऑप्शन क्या है 8000 नंबर्स बराबर सेल्स है ना, कितने में सेल होगा, आउटसाइडर कितने में लेने को तैयार है बोलो, 11 टिक करो, 8000 इंटू 11000। वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या आएगा 8000 इंटू 8000, अपेक्षा फर्स्ट ऑप्शन यू प्रोड्यूस ओनली 8000 सेल कर दो और उसको बोला तू बाहर से लेकर के, दूसरा ऑप्शन प्रोड्यूस 10 5 ट्रांसफर करो 5 आउटसाइडर को दो बराबर आपका 8000 नेट कंट्रीब्यूशन आपको कितना आएगा 8000 11 में बेच रहे ना हम लोग बोलो 11 माइनस 8 3000 3000 इंटू 8000 2 करोड़ 40 लाख। उस पर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा कितना 30%, तो आपको नेट कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, नेट इनफ्लो आपका आएगा 1 करोड़। ये क्लियर हुआ कि नहीं बोलो या सुनो कि लिख के दिखाऊं, समझ रहे कि नहीं है ना, क्योंकि इतना कैलकुलेशन इसके लिए मैंने सॉल्व कर दिया राइट। अब ये परचेज करेगा बाहर से, कितना परचेज कॉस्ट लगेगा 9000 इंटू 5000 कितना हो गया 4 करोड़। उसकी परचेज नाउ परचेज इज एन एलाउेबल एक्सपेंडिचर एज पर पी एन एल अकाउंट, तो वहां पर टैक्स कितना सेव होगा 450 का बोलो 40%, तो नेट आपको कितना आया 2 करोड़ 70 लाख और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था 1 करोड़ 68 लाख, तो ओवरऑल कंपनी को कितना लॉस होगा 1 करोड़ 2 लाख। समझे नहीं, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हुआ कि नहीं हो? या नाउ यू कैन आस्क लॉजिक राइट, या इसका मतलब नेट आउटफ्लो कंपनी का कितना होगा बोलो 1 करोड़ 2 लाख। समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स? अरे बोलो या सुनो, नेट आउटफ्लो कितना रहेगा आपका 1 करोड़ 2 लाख। अब अगर आप 5000 बनाते हो तो 5000 बनाओगे तो सेल कितने में होगा 5000 इंटू 11 और 5000 बनाओगे तो आपको ट्रांसफर कितने में करना पड़ेगा 10, तो आपको इनकम होगा 550 एंड 5। वेरिएबल कॉस्ट 8000 इंटू 5000 वो बार वाले को तो पूरा लगेगा लेकिन सेकंड वाले को ओनली 7000 लगेगा। अरे बोलो ये सुनो, तो आपका नेट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3 करोड़, उस पर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा बोलो 90 लाख, तो नेट आपका कितना आएगा 2 करोड़ 10 लाख इनफ्लो। कैसे? हाँ वो इटली का है और ये इंडिया का है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, मतलब दो अलग कंट्री का है ना। दो अलग कंट्री का, अपने को तो ये देखना है कंपनी को नेट आउटफ्लो कितना रहेगा है ना, ओवरऑल इनफ्लो आउटफ्लो कितना रहेगा।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। अब देखो कितने का टू, अभी अगर पहले आप मुझे बताओ, पहला ऑप्शन आपको समझ में आया कि नहीं, कि लिख के दिखाऊं, परफेक्ट समझ में आ रहा है ना? तो पहले ऑप्शन में आओ, देखो पहले ऑप्शन में क्या था आपका, आपका सेल हो गया, कितने में सेल हुआ पहले समझो जरा, पूरा की पूरा 8000 की 8000 हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो 8000 सेल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 11000 टू 8000, बोलो 8 करोड़ 80 लाख है ना। अब उसको बनाने में अपने को कॉस्ट लगेगा एंड सेलिंग कॉस्ट लगेगा, कितना 8000 इंटू 8000, ये आपका आउटफ्लो हो गया, तो नेट आपको इनफ्लो कितना हो गया 2 करोड़ 40। उस पर आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बिजनेस कर रहे हो आप, आपको कितना आ गया नेट। अब इटली में क्या होगा, आपको परचेस करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा तो 9000 इंटू 5000 कितना गया आपका। अब उसकी वजह से इटली में अपना टैक्स सेविंग हो जाएगा, टैक्स सेव कितना होगा 40%, तो नेट आपका आउटफ्लो कितना रहेगा 2 करोड़ 70, और इनफ्लो कितना था 168, तो फाइनली आपका आउटफ्लो कितना कंपनी का 102। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यस और नो फ्रेंड्स। अब अगर अपन इसको दूसरे वे से लेते हैं, अब दूसरा वे क्या है, 5 का 5000 हम ट्रांसफर करेंगे और 5 का 5000 बेचेंगे, बराबर, क्योंकि 10 में से 2 है, बोलो यस और नो। तो 5000 बेचा तो कितना मिलेगा अपने को, 5000 इंटू 11000, क्लियर यस और नो, सब लोग बोलो यस और नो, है ना। 5000 अगर ट्रांसफर किया तो कितना मिलेगा 10000, ये हमारे दोनों इनफ्लो हो गए। उसके सामने हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 5000 पे लगेगा 8000, है ना, और 5000 पे लगेगा ओनली 7000, क्योंकि सेलिंग इंटरनल ट्रांसफर पे सेलिंग कॉस्ट लगेगा नहीं। तो देखो कितना आ गया, पहला सेल्स वैल्यू 5000 इंटू 11000, ट्रांसफर प्राइस 5000 इंटू 10000, वेरिएबल कॉस्ट 5000 इंटू 8000, एंड वेरिएबल कॉस्ट 5000 इंटू 7000, तो व्हाट इज द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 3 करोड़। उस पर टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में, राइट है, कितना 90 लाख, सो कितना आपका इनफ्लो आ गया 2 करोड़ 10 लाख। अब इसको क्या होगा, 5000 इंटू 10000, इसका आउटफ्लो कितना किया डिवीजन ने 5 करोड़, उस पर उसको टैक्स सेव कितना होगा 2 करोड़, तो नेट आउटफ्लो कितना बचा 3 करोड़, है ना, 3, और ऊपर अपने को इनफ्लो था 210, तो नेट आपको कितना आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है जिसमें कम आउटफ्लो है, कहता हूं, बोलो यस और नो फ्रेंड्स, सॉल्व करके दिखाऊं, हैं? सही यस और नो, अबे क्या इसमें लॉजिक यू कैन आस्क, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम यहां पे। हाँ जी यस सर, प्रॉपर समझ में आ रहा है, कर सकते हो बिना देखे, यस और नो, टेस्ट लेगा फिर, नहीं तो पेरेंट्स को बुलाएगा। हाँ चलो एक और देख लो आप जरा ना, अब ये खुद ही देखो आप करके ना, 9.12 इसके बाद वाला 9.12 बराबर से मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें करके ना। आप मेरे ऑडिटर ऑडिट करके बताओ मैंने बराबर स्टेटमेंट बनाया कि नहीं, राइट, कुछ गलती तो नहीं है, बराबर ढूंढ के बताओ आप, राइट।
एकदम ध्यान से करो आप ना। पहले गिवन करके जो लिखा है मैंने उसको बराबर से समझो आप करके ना। एक डिवीजन जापान में है और दूसरा डिवीजन यूके में है। एक माइनिंग का डिवीजन है, दूसरा प्रोसेसिंग डिवीजन है। इसके लिए रॉ मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल डाल के पॉलिश्ड स्टोन निकालेगा ये, राइट? का दिमाग लगाओ आराम से ना, धीरे धीरे समझो क्या बोलना चाह रहा है। कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा तो प्लीज आस्क मी ना।
बोलो यस नो, एकदम ऐसा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपका सॉल्यूशन। सामने वाले का पेन ऐसे ही चले करके ना, यही चीज आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं उन लोगों ने कहा क्या किया है। एकदम सिंपली पहले क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है देखो एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं आपको, ये चैप्टर क्या था राइट। व्हाट इज ए ट्रांसफर प्राइस राइट, इट इज एन इंटरनल प्राइस बिटवीन वन डिवीजन टू अदर्स। क्या रहता है ट्रांसफर प्राइस, इट इज एन इंटरनल प्राइस बिटवीन वन डिवीजन टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग राइट। अब क्यों ये होता है, बिकॉज इफ द डिविजन आर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेपरेट प्रॉफिट सेंटर सेपरेट कॉस्ट सेंटर डिसेंट्रलाइज तो ये कंसेप्ट काम में आता है। अगर बोलता है कंपनी एज ए होल है तो कुछ फर्क नहीं है, एक डिविजन ने कमाया दूसरे को लॉस होगा, कंपनी को अल्टीमेटली वही आएगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते समय दो तरह का प्रॉब्लम आएगा, नंबर वन इफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज गिवन और इफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज नॉट गिवन। अगर गिवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं गिवन है तो फिर आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा राइट। प्राइसिंग डिसीजन कुछ भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है फिलो द वेरिएबल कॉस्ट में कब सेल करेंगे, अगर प्रोडक्ट अपना खराब होने वाला है रिलेवेंट कॉस्टिंग कब यूज करेंगे, कि अगर हमारा कैपेसिटी से कम यूटिलाइज हो रहा है। अभी मैं आप बोलता हूँ व्हाट इज माई, मेरा कोई नया स्टूडेंट आएगा तो व्हाट इज द रिलेवेंट कॉस्ट फॉर मी, आप बोलोगे सर अबव द वेरिएबल कॉस्ट, वो जो दे रहा है आप ले लो। फिर मार्केट वैल्यू मींस परचेज वैल्यू क्या चल रहा है आप मार्केट में पूछ लो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में आप डिवाइड करो, फिर टोटल कॉस्ट प्लस शेयर प्रॉफिट, आपका टोटल आपने कितना लगाया मैंने कितना लगाया कस्टमर हमें कितना दे रहा है दोनों मिलके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अगर जितना कॉस्ट इन्वॉल्व है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपको ये, और जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं पहले आपको क्या करना है, आप गिवन करके लिख लो क्वेश्चन को, तो आपको क्या बार बार क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं, और आपका जो सॉल्यूशन है एकदम सिंपल और परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हो आप करके राइट। अब आप मुझे बताओ आपको एनी क्वेरीज इसमें कुछ पूछना है, आप प्रैक्टिस करेंगे बराबर से ठीक है, टेस्ट दोगे राइट, नहीं तो पेरेंट्स को बुलाएगा ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ योर ट्रांसफर प्राइसिंग राइट।